चुनाव आते ही नेता जन कल्याण के बड़े बड़े वादों के साथ वोट मांगने निकल पड़ते हैं। कोई सस्ती बिजली का दावा करता है तो कोई मूलभूत सुविधाओं का, कोई विकास का तो कोई रोजगार का। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसे नेता भी हैं जो अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए विधायक बनना चाहते हैं। जनता के कल्याण और सुविधाओं से इन महानुभावों का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। आप भी मिलिए जनाब से। ये हैं चौधरी गोपाल सिंह, जो आगरा दक्षिण सीट से नामांकन भरने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, लेकिन जब इन्होंने अपनी मंशा लोगों को बताई तो सभी हैरान रह गए। आप भी सुनिए आखिर क्या है इनके इरादे। मेरा चुनाव में कोई मुद्दा नहीं, मेरा अपना एक पर्सनल मुद्दा है, मुझे पैसा कमाना, इन्वेस्ट करना है और विधायक बन के अपनी जो सारी सुविधा है वो खड़ी करना है। ये राजनीति में ऐसा ही हो रहा है, राजनीति में जो आता है पैसा कमाता है, अपना घर बढ़ता है, ऐसा मैं भरूँ। समाजवादी पार्टी में समाजवादी पार्टी के लोगों जो कितने सारे समाज के लोग हैं, सब विधायक हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, सारे समाज का चला रहा है उनका। मैं भी कमा रहा हूँ पैसे, कमाने के लिए आया हूँ। देखो जो विकास कार्य के लिए पैसा आता है उसमें 25% तो होता ही है, ये है। और कई तरह से काम होते हैं जो मुझे कुछ लोग बताएंगे, अभी तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि पैसा किस तरह कमाया जाएगा, जितने के बाद अपने आप नॉलेज आ जाएगी। अधिकारी बताएंगे मुझे पैसा कमाने के लिए। भाई इतने बड़ा हिंदुस्तान में 125 करोड़ जनता को बेवकूफ बना के कोई बंदा प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसी उसमें कोई ना काबिलियत होगी जनता को बेवकूफ बनाने की। मैं भी बेवकूफ बनाऊंगा, अब मेरा दिमाग बेवकूफ बनाने यहाँ से नाम फाइल करके, अब मेरा दिमाग बेवकूफ किस तरह बनाया जाएगा जनता को और वोट किस तरह हमें लिया जाएगा जनता से, तो मैं सोचूंगा, दिमाग लगाऊंगा अपना।